फैसिलिटी रहने के लिए। तो कभी भी आप आते हो बीकानेर में तो मस्ट विजिट SK होवेल। कटोरिया, ब्रेड है, लिट्टी है, पकौड़ी है। ये कचौड़िया, ये चटनी है, चटनी और ये आलू की सब्जी। इतनी बारीकी से यहाँ पर कलाकारीगिरी नकाशी की गई आज से 100 साल पहले बीकानेर की फेमस ये रामपुरी हवेली। तो ये देखिए एक एरियल व्यू बीकानेर सिटी का, दूर दूर तक फैला हुआ ये राजस्थान का बीकानेर शहर। सो गुड मॉर्निंग गाइस, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे इस एक नए ब्लॉग में। तो गाइस अभी मैं खड़ा हूँ टेरेस पर और आप देख सकते हैं ये ब्यूटीफुल नज़ारा बीकानेर का, जो कि जहाँ पर मैं ठहरा हूँ SK हवेली। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको दिखाऊंगा और सुबह का टाइम है, कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे और बाद में चले गए बीकानेर की फेमस रामपुरी हवेली। बीकानेर फेमस है स्पेशली हवेलियों के लिए। बहुत सारी यहाँ पर आपको गली चौराहों पे हवेलियाँ मिलेगी, जो कि उनमें से वन ऑफ द बेस्ट फेमस हवेली है बीकानेर में, ऑल ओवर इंडिया में, वो है रामपुरी हवेली। जो कि यहाँ के जो जैन बिजनेसमैन थे, जैन फैमिली थे, उन्होंने करीबन 100 साल पहले वो रामपुरी हवेली बनाई थी। गाइस यहाँ का रिसेप्शन और ये यहाँ पर डोरमेट्री। तो ये है मेरा बेड, यहाँ पर मैं ठहरा था 2 दिन के लिए, जो कि काफ़ी बढ़िया यहाँ पर फैसिलिटी है रहने के लिए। तो कभी भी आप आते हो बीकानेर में तो मस्ट विजिट SK हवेली, जो कि इसका एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये कुछ ब्यूटीफुल व्यू। हेलो सर। हेलो। का स्टाफ है काफ़ी हेल्पफुल, आपको फैमिली की तरह यहाँ पर आपको ट्रीट मिलेगी। तो ठीक है, चलते अभी। तो गैस ये तो हमारी सुबह की चाय, जो कि नज़दीक में यहाँ पर मैं ठहरा हूँ तो अंकल जी यहाँ पर मिल गए। क्या मिट्टी के बर्तन थे, उसमें सब खाना चाय वगैरह बनाते हैं, तो उसके स्वाद भी डिफरेंट था, अंकल जी वही बता रहे थे। तो काफ़ी बढ़िया चाय है। थोड़े देर आगे चलते ही यहाँ पर भैया की शॉप है, तो थोड़ा यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर दे, क्योंकि फर्स्ट डे मैं आया था बीकानेर में तब यहाँ अंकल जी थे, तो अंकल जी के पास यहाँ पर नाश्ता किया था, क्योंकि काफ़ी बढ़िया, डिलीशियस, हाइजेनिक। तो भी भैया हमारे पास क्या है? कटोरी है, ब्रेड है, लिट्टी है, पकौड़ी है। ये कचौड़िया, ये चटनी है, चटनी और ये आलू की सब्ज़ी, और ये गर्मा गर्म मिर्ची बड़े और ब्रेड पकौड़े। तो ठीक है, मिक्स में एक बना दीजिए। तो एक कचौड़ी, एक पहले कचौड़ी दीजिए, बाद में। तो गैस ये तो हो गई हमारी गर्मा गर्म आलू की सब्जी और यहाँ की फेमस कचौड़ी। काफ़ी डिलीशियस। मनांद बाबू ने वीडियो बनाई। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ बीकानेर की, पूरे इंडिया की फेमस रामपुरी हवेली, जो कि पूरा बीकानेर शहर हवेलियों के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर करीबन 1000 से 1500
1500 के आसपास यहाँ पर बहुत सारी हवेलियाँ, लेकिन उनमें से वन ऑफ द बेस्ट फेमस यहाँ की रामपुरी हवेली। यहाँ पर भैया मिले जय किशन भाई, कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया जी जी। तो भैया कुछ बता रहे थे भैया, ये क्या है सेक्शन यहाँ पर? ये इसके अंदर पुरानी गाड़ियाँ हैं सर। पुरानी गाड़ियाँ जी जी। और वो उस समय की आपने क्या है कि जो अपनी पसंद की गाड़ियाँ थी उनके लिए स्पेशल क्या है कि ये गाड़ियाँ रखने के लिए जी जी, वो एक गैरेज टाइप बनाया था जो राजा महाराजा। हाँ गैरेज बोल सकते हो जी जी। और इधर ये स्विमिंग पूल बनाया हुआ है इसके अंदर, इस साइड स्विमिंग पूल है रामपुरिया कुंड। यस ओके। और आप ये तो अभी गेट तो ये सारे बंद रहते हैं जी जी। ये देखिए एक शानदार रामपुरिया हवेली की एक बिल्डिंग जो कि मेन बिल्डिंग आगे है, लेकिन ये आप व्यू देखिए, बालकनी, ये पूरी बालकनी है, लेकिन सोच के देखिए इतनी गजब की, इतनी छोटी 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 कार्विंग यहाँ पर की गई है, इतनी बारीकी से नक्काशी की गई है। इसके अंदर गणेश भगवान के साथ में देखिए जी जी, वो भी एक पत्थर के साथ में क्या जी जी। यहाँ पर भगवान गणेश जी क्लियरली भगवान गणेश जी की यहाँ पर हाँ प्रतिमा और रानियाँ हैं दोनों और उनके सेवक हैं। और ये आवेदन देखो, ये पूरी रामपुरिया बिल्डिंग देखते हैं उस साइड से लेके एक बहुत बड़ा शिप खड़ा हो जहाज उस टाइप का, ये सारी देखिए नक्काशी क्योंकि पीछे है सेल्फी पॉइंट। सारे टूरिस्ट जब आते हैं तो स्पेशली यहाँ पर ये रामपुरी हवेली विजिट करते हैं, क्योंकि स्पेशली इसकी जो नक्काशी कार्विंग की गई आज से 100 ईयर पहले है, क्योंकि और बीकानेर फेमस है हवेलियों के लिए और उनमें भी रामपुरी हवेली नज़दीक चलते हैं वहाँ से दिखते हैं। ये क्या होता है, ये यहाँ कल
अब बस यहाँ पर देखते रह जाएंगे यहाँ की नक्काशियाँ। और उनमें भी स्पेशली ये रेड स्टोन जो पत्थर आता है उसमें बहुत ही बारीकी से आप ऐसे कार्विंग हो सकती है स्टोन में। लेकिन सोच के देखिए इतनी शिद्दत से उस टाइम में ये सारी कार्विंग और ये पूरी बिल्डिंग बनाई गई थी। क्योंकि सामने सारे वो ग्लासेस देख सकते हो जो कि स्पेशली बेल्जियम से मंगाए गए थे। एक हवेली सामने जो कि यहाँ के जो मेन ओनर थे उनकी ये सामने वाली ये हवेली अपने हाँ, बताए वो रामप्रिया जी है ना, रामपुरिया जी के। हाँ और ये स्पेशली शीशम और सांगवान से बने हुए ये सारे गेट है ना भैया। और ये देखिए ये बारीकियाँ, तो ये देखिए गाइस खूबसूरत व्यू रामपुरी हवेली का। काफ़ी देर तक यहाँ पर हम घूमे लेकिन हमारा मन ही नहीं भरा क्योंकि इतनी बारीकी से यहाँ पर कलाकारीगिरी नक्काशी की गई आज से 100 साल पहले। बीकानेर की फेमस ये रामपुरी हवेली जो कि स्पेशली सांगवान से बना हुआ, साल सिसम से बना हुआ यह गेट और इसकी जो नक्काशी है वो काफ़ी लाजवाब है। तो ठीक है, एक दो हवेली आगे चलते हैं और वहाँ से चलेंगे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। जो कि जय किशन भैया मिले थे, भैया ने काफ़ी कुछ यहाँ के बारे में, हवेलियों के बारे में हमें बताया, काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी भैया, काफ़ी आपका तहे दिल से धन्यवाद। हमारा यही कहना है कि आप जैसे भाई बंधुओं को आए तो अच्छी क्या है कि जो बातें हैं यहाँ की वही आपको जी रूबरू करवाएं। सही बात है, झूठ फैलाने में कुछ नहीं होता, कुछ भैया हम देख सकते हैं ये से जो चीज़ें देख रहा हूँ ना मैं वही दिखाऊँगा। सही बात है, लेकिन ये व्यू देखिए फिर आपको लगेगा कि नहीं ये बातें सच है। ये देखिए, ये देखिए गाइस, तो गाइस ये तो देखिए आपने बीकानेर की फेमस रामपुरी हवेली। और क्या ही मैं आपको बताऊँ, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि जब आप खुद आते हो यहाँ पर ये बारीकी नक्काशियाँ जब इस हवेली की देखते हो तब आपका दिन बन जाता है सच में। अगर आप आर्ट लवर हो तो सोने पे सुहागा हो गया। तो ठीक है, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म, मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग लाइफ। जय हिंद, जय भारत।